फिर से हम स्वागत करते हैं अपने नई वीडियो में। आज हम देखिए SBI का CSP पोर्टल जो होता है उसको हम खोले हुए हैं। इसमें हमें ये जानकारी नहीं होती कि खाता कैसे किस किस प्रकार से खुलता है या किस तरह से खुलता है या कितने प्रकार से खुलता है। तो पहले तो KYC के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए SBI अदर सर्विस दिया हुआ है। यहाँ पर चले जाएँगे थोड़ा नीचे तो देखिए यहाँ लिखा है KYC। तो सबसे पहले हम यहाँ पर से KYC करते हैं। यहाँ देखिए आधार नंबर डालेंगे जो 12 डिजिट का होता है, आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ कंसर पर क्लिक करें, फिर PF कैप्चर पर फिंगरप्रिंट कैप्चर पर क्लिक करेंगे। आई एग्री टिक करके फिर फिंगर कैप्चर करके KYC जनरेट कर लेंगे। अभी हमारा KYC जनरेट हो जाता है तो उसके बाद फिर चले जाएँगे इसी अदर SBI अदर सर्विस में। इसमें जाने के बाद सबसे लास्ट में देखिए लिखा इंस्टेंट अकाउंट जनरेशन फॉर KYC। इस पर क्लिक करके एक माध्यम से इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा KYC किया हुआ रेफरेंस नंबर रहेगा या KYC नंबर रहेगा इसमें फिल कर लेंगे, फिर मोबाइल नंबर इसमें फिल कर लेंगे। इसके बाद आई एग्री पर जो आप जो टैक्स स्टेटस है, चाहे आप इंडिया से हैं, US हैं या आउट साइड से, उसे टिक करके फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जब से ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा, आधार से लिंक रहेगा, तो इंस्टेंट वाले में आपको वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अदर में आपको वेरीफाई करना पड़ता है। जो मैसेज आता है, मैसेज मोबाइल से फॉरवर्ड कर रखा जाता है, एक नंबर दिया जाता है, उसी नंबर पर 5GS पीछे का कोड होता है उसको लिख करके फॉरवर्ड किया जाता है। ये तो हो गया इंस्टेंट अकाउंट का। देखें लिखा है इंस्टेंट अकाउंट कस्टमर एनरोलमेंट। अब दूसरा विकल्प है KYC के माध्यम जो हम खोलते हैं। ये फिर चले जाएंगे SBI अदर सर्विस में। इसमें देखिए यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लिखा KYC कस्टमर एनरोलमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यही सिस्टम देखिए है, यहाँ लिखा है KYC कस्टमर एनरोलमेंट। इसमें भी जो KYC जनरेट किए रहेंगे उसका रेफरेंस नंबर, जैसे रेफरेंस नंबर होता है ये डाल देंगे। फिर इसमें मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर टिक लगा देंगे, चाहे इंडिया से हो या US से हो या आउटसाइड हो, इस पर टिक लगा करके, चाहे जो भी होगा उस पर टिक लगा करके यहाँ कैप्चर करके कंटिन्यू करके मोबाइल वेरिफिकेशन करके आप खाता खोल सकते हैं। अब तीसरा विकल्प है, इसके लिए आप चले जाएंगे कस्टमर क्रिएशन पर। यहाँ पर देखिए कस्टमर क्रिएशन लिखा हुआ है 4th नंबर पर। तो कस्टमर क्रिएशन करके भी आप यहां से खाता खोल सकते हैं। देखिए यहां 2 विकल्प है, ऐसे हैं तो नया खोल सकते हैं या जो पहले से खाता खुला हुआ है उनका भी खाता खोल सकते हैं। तो अकाउंट नंबर फिल करके आप खोल सकते हैं। अगर नया खाता खोलना हो तो न्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे, फिर यहां से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ फर्स्ट नाम डालेंगे, फिर यहाँ मिडिल नाम डालेंगे, फिर यहाँ लास्ट नाम डालेंगे। अगर केवल एक ही नाम है तो जो फर्स्ट में डाले हैं वही नाम लास्ट में भी डाल देंगे। अगर दो नाम क्या गया है, जैसे मान लीजिए कि संजय कुमार हो गया तो इसमें संजय लिख देंगे, इसमें कुमार लिख देंगे, फिर अगर संजय है तो इसमें भी संजय लिख देंगे, इसमें लास्ट में भी संजय लिख देंगे। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फिर वहीं चेक मार्क पर क्लिक करेंगे। चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और देखिए यहाँ कुछ इंजेक्शन दिया हुआ है, कुछ जानकारी दी गई है कि जो स्टार लगा हुआ है मैंडेटरी है, इसको आपको फिल करना ही है। अगर यहाँ लिखा है इनकेस द माइनर एज 18 से अगर कम कस्टमर है, मोबाइल नंबर इज नॉट मैंडेटरी। अगर 18 से उम्र कम है तो इनके लिए मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है, बिना मोबाइल नंबर का भी हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं इनकेस ऑफ द मेजर है, अगर वहीं 18 से प्लस है, अगर मेजर है तो उनका मोबाइल वेरीफिकेशन ज़रूरी है। तब मोबाइल वेरीफिकेशन करके उनका आसानी से खाता खोल सकते हैं। तो देखिए कभी कभी ऐसा ही समस्या हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई ओके करते जाएंगे। ओके करने से नहीं होगा तो एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। अगर रिफ्रेश कर देंगे तो फिर आपका ये समस्या जो है तो समाधान हो जाएगा। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो हमने देखा, देखिए हमने जो किया रेफ्रेश किया लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने एक बार पेज को क्लोज करके फिर से लॉगिन करके फिर उसी पेज पर आ गए हैं। अब
यहाँ देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, फिर यहाँ टिक करने का ऑप्शन है इंडिया से हैं कि यूएस से हैं कि आउटसाइड इंडिया अदर टाइम है यूएस वगैरह हैं। तो आप इस यहाँ पर आप कस्टमर क्रिएशन से भी खोल सकते हैं। या होता है क्या क्या, जैसे हम कभी खाता खोलते हैं हमारे रेफरेंस नंबर मिला होता है, रेफरेंस नंबर मिलने के बाद हम जब अगर फिर प्रयास करते हैं न्यू खोलने मतलब के वाई सी के माध्यम से या किसी माध्यम से फिर खोलने का, तो वहाँ से नहीं खुलता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, चलेंगे फिर इसी चले आएंगे इसी कस्टमर क्रिएशन में। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू कस्टमर क्रिएशन। जैसे ही कंटिन्यू कस्टमर क्रिएशन पर क्लिक आप करेंगे तो जो आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, यहाँ आप रेफरेंस नंबर डाल करके इंक्वायरी क्वायरी पर क्लिक करेंगे तो आपका फिंगर लेन कैप्चर करने के लिए मांगेगा। फिंगर कैप्चर करके फिर आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब होता है क्या कि हमें फार्म प्रिंट करना होता है, कभी कभी होता है कि हमारा फार्म एरर होता है, बीच में कट जाता है। उस कंडीशन में हम यहाँ चलेंगे फिर कस्टमर क्रिएशन पर। यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिंट या रीप्रिंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर किसी बाई चांस अगर आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है या शो नहीं करता है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप यहाँ से री अपलोड फ़ोटो पर करके रेफरेंस नंबर डाल करके फिर फ़ोटो अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। देखिए इसी में एक है आईडी कार्ड जनरेशन, जो जैसे बैंक से पासबुक दिया जाता है उस तरह से आप अपने जो CSP है, जो भी आपको CSP कोड मिला हुआ है या जहाँ CSP स्थापित किए हुए हैं, वहाँ पर आप आईडी कार्ड जनरेट करके आपको प्रिंट करके देना अनिवार्य होता है। तो आप यहाँ से आईडी कार्ड जो है उसको रेफरेंस नंबर के माध्यम से डाउनलोड करके उनको प्रिंट करके दे सकते हैं। तो आज आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि ये अकाउंट किस किस प्रकार से खुलता है। तो हम आपको बता दें जो CSP पोर्टल अकाउंट तीन तरीके से खुलता है। दो खुलता है एक क्या बोलते हैं EKYC के माध्यम से, हाँ दो तरीके से आप खोलेंगे EKYC के माध्यम से। पहले KYC जनरेट कर लेंगे, उसके बाद इंस्टेंट अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद फिर EKYC कस्टमर क्रिएशन इनरोलमेंट कर देंगे। और दो तरीके ये हो गया, तीसरा हो गया कस्टमर क्रिएशन। इसमें 18 से कम का भी 18 से ज़्यादा का भी खोल सकते हैं, लेकिन जो 18 से कम हैं उनका EKYC खाता आप नहीं खोल पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है खाता हम खोलते हैं, खोलते समय एक समस्या आती है प्रे चेक का। जब अगर प्रे चेक सर्विस का अगर आपको एरर मिल रहा है तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, या तो वो खाता ब्रांच से खुलवा सकते हैं या तो फिर वो अपने आधार में कुछ करेक्शन करवा लें, कुछ संशोधन करवा लें, चाहे बायोमेट्रिक हो गया, मोबाइल नंबर हो गया या कुछ भी, अगर संशोधन करवा लेंगे तो लगभग 90% समस्या का सॉल्व हो जाता है, वो खाता खुल जाता है। तो आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी है, इस पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। फिर मिलते हैं इस तरह की जानकारी वीडियो लेकर के एक नई वीडियो में।